निश्चित हुआ है कि 24 तारीख को श्री आनंद शर्मा जी द्वारा इसका उद्घाटन होना है और ये भराड़ी वार्ड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है क्योंकि ये काफी टाइम से रुका हुआ काम जो था वो इस टेन्यूल में पूरा हुआ है। जल्दबाजी तो कोई नहीं की गई है सर, इसमें ऐसा हुआ था कि 2007 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था श्री आनंद शर्मा जी द्वारा और अब जो बीच में सरकार बीजेपी की जो काउंसलर थी हमारे वहां पर कला शर्मा जी मुझसे पहले उस टाइम पर उनके कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ था और जो अब मेरा टेन्यूल था मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको मैं कार्य को कंप्लीट कराऊं और अब वो कार्य कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो काम है ये गवर्नमेंट का है और इसमें जो MC है उनका प्रोजेक्ट है ये और इसको PWD ने इंक्लूड किया है और दूसरी बात ये महकमे का काम है ये उनके द्वारा किया गया है और काम सारे पूरा है। जिस तरह से ये ब्लेम लग रहा है कि इसमें बिजली पानी का कनेक्शन नहीं है, ये जिन्होंने ब्लेम लगाया है पहले वो जांच कर लें अच्छी तरह उसके बाद ये ब्लेम लगाएं क्योंकि बिजली पानी जो भी मूलभूत सुविधाएं वहां चाहिए वो सब कंप्लीट हो गया है काम। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि पहले भी जब वो पूर्व मनोनीत पार्षद रहे हैं संजीव सूद जी, उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में भी जब भी जनता का मैं कोई भी काम जनता के लिए स्टार्ट कराया है वार्ड में उन्होंने उसमें टांग अड़ाई है, कभी भी आज तक उन्होंने कोई कार्य मेरा पूरा नहीं होने दिया। और अगर उनको अब प्रॉब्लम है जबकि हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, अब हालांकि 2 दिन रह गए हैं इस चीज को कि ये ओपनिंग होनी है कम्युनिटी हॉल के लिए और ये जनता के लिए जनता द्वारा उनके पैसों से ही और अब ये जनता को ही हमने समर्पित करना है, तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये वो नहीं चाहते कि हम ये जनता को समर्पित करें, वो इसलिए भी नहीं चाहते कि इस कार्य मेरे कार्यकाल में ये काम क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात जब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब वो खुद भी पूर्व पार्षद रहे हैं तब उनको किस चीज का क्यों ही नहीं याद आया, तब उन्होंने जाकर क्यों नहीं देखा कि कितने पेड़ कटे हैं, RTI देनी है नहीं देनी, तब उनको कुछ क्यों नहीं याद आया। अब जब सारा काम मैंने करवा लिया है अपने कार्यकाल में जब और उसके बावजूद उनको अब 2 दिन पहले क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरा अनुरोध है यहाँ की जनता से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि वो मेरा साथ दें क्योंकि सबको मालूम है MC में भी सबको मालूम है कि मैंने 4 साल 5 साल जाके मुझे पता है कि मैंने BJP गवर्नमेंट में ये काम कैसे कराया। देखिए आप ये तो सरासर गलत बात है कि प्रेशराइज करके, आप ये देखिए MC से कभी कोई प्रेशराइज करके काम करा सकता है? अगर प्रेशराइज करके मुझे कराना होता तो मैं अपने टेन्यूल में शायद पहले साल ही ये ओपनिंग करवा देती। मुझे पता है कि 5 साल भी मैंने कैसे जूते रगड़ के जाकर तब जाकर ये काम कंप्लीट हुआ है। ये तो मतलब ब्लेम है एक तरह से, अगर काम करना नहीं तो काम किसी का देख भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ कि इंसान को पहले दूसरों के उसमें हाथ डालने से पहले अपने गिरेबान को देखना चाहिए। इसमें मैं ये चाहूंगी कि एक तो उन्होंने झूठे शपथ पत्र पे रानिस किया, दूसरी बात अब वो डिसक्वालिफाइड काउंसलर हैं, डिसक्वालिफाइड नॉमिनेट काउंसलर रह चुके हैं लेकिन अब तक उनको ये समझ नहीं आई कि कम से कम काम नहीं कराया तो दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के काम के लिए अड़ंगी ना डाले। मैं यही चाहूंगी कि वो अपनी जनता के लिए, वो भी इसी वार्ड में रहते हैं तो उनको थोड़ी सी इतनी समझ होनी चाहिए कि हमारे वार्ड में जो जनता है उनको ये सुविधा लेने दें।